प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने में लगातार हो रही देरी को लेकर शुक्रवार को किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। मेरा प्रदर्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा हमने दो बार आगे प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने हमारे लास्ट डेडलाइन 31 मार्च मांगी थी, तो 31 मार्च के पहले हम पैसे आपके खातों में चले जाएंगे। अभी तक वो पूरे नहीं गए, चंद लोगों के कल के गए हैं, मैं मानता हूँ कल के गए हैं, मगर उसके में ये फ़र्क क्या है? सरकार ने माना था हम 5,000 रुपया कनाल का देंगे, अब इन्होंने मिली भगत करके जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा खाया है 3,280 रुपये मेरे गरीबों को डाला है, 5,000 क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, हम SDO को मिलने आए, वो चेयरमैन बैठा, हम चार बार मिलने आए, अभी एक बार मिला था हमें जब हमसे कमेंट मीट हुई थी, जब भी आओ पोस्टें खाली, जब भी आओ कुर्सियाँ खाली, लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब जनता किसके बाप को आगे लेके जाएगी? जो जुम्मेवार अफसर है यहाँ का वो नहीं होगा तो हमें जवाब कौन देगा? बड़े शर्म की बात है। मैं LG से गुजारिश करता हूँ, ऐसे अफसर को उठा के कहीं दूर पहाड़ी में फेंको, उसको पता चल जाए नौकरी कैसे करनी है। हर अफिस का यही हाल है, जहाँ भी जाओ अफसर मिलते कोई नहीं, बहाना बनाते कि हम मीटिंग है। भाई आपने बाहर क्यों नहीं लगाया? आपने वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, आज मेरा ये शेड्यूल है ताकि लोग पढ़ के वापस चले जाएँ। और छोटे मुलाजिम का क्या पता, वो बेचारे फ़ोन करते उनकी सुनता को नहीं, ये बड़े शर्म की बात है। और हमारा जो मुआवजा वो 5,000 कनाल का जो सरकार ने वादा किया था उसके मुताबिक डालना चाहिए, ना कि 3,280, ये गलत है। मैं LG से गुजारिश करता हूँ आप जल्दी से जल्दी हमारा मुआवजा पूरा डालिए और सब लोगों को डालिए। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।